छत्रपति विजय का द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इसका ओरिजिनल लैंग्वेज तो तमिल है बट इसे हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज में भी डब करके सेम डे को रिलीज किया गया था। 3 घंटे और 3 मिनट के रन टाइम के कारण ये छत्रपति विजय का सेकेंड लॉन्गेस्ट फिल्म भी बन गया। छत्रपति विजय का फर्स्ट लॉन्गेस्ट फिल्म जो था वो ननवन था, जो कि 2012 में रिलीज किया गया था। और हाँ, ये ननवन फिल्म जो है ये 3 इडियट का रीमेक है। तो अगर आपने 3 इडियट फिल्म देखी है तो आप ज्यादा एक्साइटेड ना हो ये ननवन फिल्म देखने के लिए, क्योंकि 3 इडियट इस फिल्म से काफी ज्यादा बेहतर। जो आज 17 दिन हो गए हैं द गोट मूवी को रिलीज हुए, तो काफी सारे लोगों का सवाल है कि क्या ये मूवी फ्लॉप रही, हिट रही, सुपर हिट रही या फिर ब्लॉकबस्टर रही। तो मेरे प्यारे श्रोतागण, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है फ्लॉप वाला ऑप्शन, उसे आप कुल्ला करके धो डालिए, क्योंकि जिस एक्टर के दम पे इस फिल्म में 400 करोड़ लगाए गए थे ना, वो एक्टर फ्लॉप प्रूफ है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि द गोट मूवी ने तमिल इंडस्ट्री के लिए काफी सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड ऑलरेडी सेट कर दिए हैं, जैसे कि हाईएस्ट ग्रोसिंग तमिल फिल्म ऑफ 2024, द थर्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म ऑफ 2024, सिक्स्थ हाईएस्ट ग्रोसिंग तमिल फिल्म ऑफ ऑल टाइम एंड 5th हाईएस्ट ग्रोसिंग तमिल फिल्म इन ओवरसीज एंड लास्ट द थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन तमिलनाडु। तो ये सारी बेंचमार्क द गोट मूवी ने अदर फिल्मों के लिए ऑलरेडी सेट कर दिए हैं 15-16 दिन में। बट जहां तक इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात है तो फिल्म अपने बजट से कुछ ज्यादा नहीं कमा पाई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिल्म का बजट था 400 करोड़ के आसपास, लेकिन अभी तक फिल्म यानी कि 15-16 के दिन के बाद फिल्म अभी तक बस 416 करोड़ के आसपास की कमाई कर पाई है। इसके कम कलेक्शन के पीछे जो मुझे सबसे बड़ी रीजन लगी वो इसकी स्टोरी की, इसके स्टोरी पे और काम करने की जरूरत थी। स्टोरी में आपको उस टाइप का मतलब टर्न्स एंड देखने को नहीं मिलते हैं, मतलब नॉर्मल सा स्टोरी है। तो जिस तरह से फिल्म का हाइप बिल्ड किया गया था, इतने सारे लोगों को उम्मीद था कि मूवी कुछ अलग ही होगी, उस टाइप का ये डिलीवर नहीं कर पाई है। और यही एक कारण है कि फिल्म इस लेवल पे परफॉर्म कर रही है। पर अगर स्टोरी बढ़िया होती, कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट किया गया था वो थोड़ा सा और बेहतर होता, तो फिल्म को 1000 करोड़ के बेंचमार्क क्रॉस करने से कोई भी नहीं रोक सकता था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छत्रपति विजय को एक्शन और डांस के लिए जाना जाता है, जैसा कि हमने मास्टर जैसे फिल्मों में देखा है। तो जब भी बैठ के गोट मूवी का सेंस को रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ तो बस वो माही भाई का वो शॉट याद आता है, उसके अलावा कुछ खास दिमाग में ट्रिगर नहीं करता है। तो हाँ, इस जगह पे फिल्म थोड़ा सा मार खाती है और इसीलिए अंडर परफॉर्म कर रही है। अगर इसके स्टोरी पे काम किया जाता, कैरेक्टर बिल्डर पे थोड़ा और काम किया जाता, ये फिल्म बेहतर होती और 1000 करोड़ के बेंचमार्क पे वैसे ही क्रॉस कर जाती। तो मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कि फिल्म बेकार थी, फिल्म अच्छी थी, लेकिन फिल्म उतनी भी अच्छी नहीं थी जितना हम लोगों ने उम्मीद किया था, जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन था, फिल्म उतना ज्यादा बेहतर नहीं हो पाई। तो देखो दोस्तों, छत्रपति विजय के फैन होने के नाते जब भी इन्हें कोई ऐसे स्टोरी के साथ प्रेजेंट करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक दैट। तो ऐसा कुछ स्टोरी प्रेजेंट करो यार, कुछ सोशल मैसेजिंग को लेकर। तो दोस्तों, अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको कैसा लगा, फिल्म का बेस्ट मोमेंट आपके लिए कौन था, फिल्म का बेस्ट सीन आपके लिए कौन था, आप कमेंट करके अपने विचारों को जरूर शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप थंगार मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वीडियो दिख रहा है, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे, बाय।